हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वह खिलाड़ी है बाबर आजम। जी दोस्तों, बाबर आजम को इतना ज़्यादा बेइज्जती किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्मेंस था, खराब परफॉर्मेंस, वह सबसे बड़ा जिम्मेवार बाबर आजम ही है। क्योंकि बता दें कि ऐसा ही कुछ पीसी भी कर रही है या फिर पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैनेजमेंट है वह कर रहे हैं। जी दोस्तों, बता दें कि बाबर आजम को लेकर अब बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। बता दें कि बाबर आजम को ना सिर्फ वर्ल्ड कप के बाद से कप्तानी से हटाया गया बल्कि T20 में बतौर ओपनर भी उनका स्थान छीन लिया गया है और इन्हें यह मजबूर किया गया। खुद मोहम्मद रिजवान ने यह माना कि बाबर आजम का बड़ा दिल था कि वह बतौर ओपनर हटने के लिए तैयार थे। यहाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को साइड किया जा रहा है और टीम से बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है। बता दें वैसे T20 जो सीरीज हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा। चारों मुकाबले में बुरी हार मिली है, लेकिन एक खिलाड़ी सीरीज में भी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, वह है बाबर आजम। बाबर आजम पर जितना आजकल दबाव बढ़ गया है उतना शायद ही किसी खिलाड़ी पर बड़ा हो, क्योंकि उनको हमेशा टीम से बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है। बता दें कि बाबर आजम वह खिलाड़ी है जो कि शायद सदियों में पहली बार पाकिस्तान टीम को इतना अच्छा बल्लेबाज मिला है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल भी इज्जत नहीं है बाबर आजम का। बता दें कि बाबर आजम को कंटिन्यू नीचे दिखाया जा रहा है। पहले जहां ओपनिंग से हटाया गया था तो वहीं बता दें कि टेस्ट में भी उनका कप्तानी छीन लिया गया था। ऐसे में अब बाबर आजम ने भी अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया और बता दिया अगर वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिस्सा ना हो प्लेइंग 11 का तो और भी बुरी हालत हो सकती है। इसके अलावा एक रियलिटी चेक भी मिला है PCB को बतौर ओपनर को लेकर। जहां दोस्तों हमेशा से टारगेट किया गया है बाबर आजम को कि वो T20 के लिए ओपनर बल्लेबाज सही नहीं है, लेकिन बता दें अभी जो करंट सीरीज चल रहा है उसमें बाबर आजम ओपनर नहीं है और बेहद ही खराब ही परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, स्पेशली ओपनर्स के बात करें तो। ऐसा में यह बेहद ही बड़ा रियलिटी चेक है कि बाबर आजम ना सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज है बल्कि एक T20 में बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज भी है। ऐसे में हमें लगता है कि बाबर आजम को फिर से बतौर ओपनर खिलाना चाहिए T20 में। आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।